अलहमदुलिल्लाह में आपका स्वागत है। मैं सुहेल अख्तर, आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के ग्राम लालचक में आए हुए हैं, जो भटनी ब्लॉक में आता है। और यहाँ पे फरवरी में इंटरलॉकिंग के लिए रोड पास हो चुका था, करीब 11 लाख रुपए पास भी हो गया था। और ठेकेदार के माध्यम से यहाँ पर जो कार्य कराया गया, सिर्फ किनारे किनारे जो है इंटरलॉकिंग के लिए दीवार दे दिया गया, बट अभी तक उस पर अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। तो आइए, यहाँ के प्रधान जी भी हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या विकास में यहाँ पर आ रही है। ये सर, रोड बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? इंटरलॉकिंग पास हो चुका है इसका? पास है तो बनता भी नहीं है। क्या क्या परेशानी आ रही है? पता नहीं, लिया ठेकेदार गुजार को भाग गया, तुम्हारे बता ही भाग गया। क्या आपने इसके लिए शासन को फिर दोबारा पत्राचार किया था? हाँ, किया। और आपने कहाँ कहाँ पत्राचार किया था? यहाँ के सांसद और विधायक तक भी आपने पत्राचार किया? विधायक को जानता है, सांसद को जानता है। 11 लाख रुपया बजट पास होने के बाद भी जो अभी तक सुनवाई नहीं हुई, क्या कारण है? पता नहीं, जब लिया ठीक है वो पता ऊपर गया, 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया, इससे क्या परेशानी आपको आ रही है? परेशानी बहुत सारी है, कितने लोग नीचे गिर, सब मोटरसाइकिल गिर गई, कितनी गाड़ी गिर गई, थोड़ी बात है। कुमार यादव है, ग्राम सभा लालचक का रहने वाले हैं। आपका नाम क्या सर? हरेंद्र कुमार यादव। प्रधान प्रतिनिधि भी आप करते हैं जी। और क्या समस्या है आपके गांव की? समस्या ये है कि हमारे गांव अब तक पीच से जुड़ा नहीं है। अच्छा, पीच से जुड़ने के लिए मैं सांसद और विधायक दोनों को लिए अपने पैड पर लिख कर दिए, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं सुनवाई? फिर दोबारा आपने किया पत्राचार? ये तो मैं कहा, तो ये कहें शासन को हम भेज दिए हैं, शासन को भेज दिए, दोनों लोग यही बात कर रहे हैं। कितने महीने आपने पहले किया था इसको? एक साल हो गया। एक साल हो गया जी। विद्यालय से, फरवरी में 11 लाख रुपया बजट हो चुका है इस इंटरलॉकिंग कराने के लिए खड़ंजे को, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई हो नहीं पाई है। कैमरामैन शैलेश यादव के साथ में सुहेल अख्तर खान। लालचक ग्राम सभा में जो इंटरलॉकिंग के लिए रोड 11 लाख रुपये करके पास हुआ था आज से फरवरी में, और उसी सिलसिले से जो है यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य जो धर्मेंद्र सिंह हैं उनके पास में हम लोग आए हुए हैं। तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उसमें अड़चने आ रही है कि अभी तक जो है पूर्व से भी वहाँ पर काम भी नहीं हो पाया है। सर अपना नाम बताइए। नाम धर्मेंद्र सिंह है सर। अभी जो आपके लालचक ग्राम सभा में बता रहे हो कि वहाँ के लोग के फरवरी में यहाँ पर बजट भी पास हो चुका है, कुछ काम भी हुआ लेकिन काम रुक गया, अभी क्या कारण है सर? क्यों काम रुक गया और अभी तक जो है उस पर पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाया, क्या कारण रहा? कारण यही है कि सारे ठेकेदार जो है काम कर चुके हैं, उसमें किनारे से ईटा भी लगा दिया गया है, किनारे किनारे उसका जगह बनाया जाता है, चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा काम रोक दिया गया। अभी तक जो TS नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें नियम है 10 लाख से ऊपर काम में शासन से TS लेना पड़ता है, अनुमत, तो अनुमत शासन से नहीं मिला है, और 10 लाख के नीचे जितने भी काम हुए सब पूरा हो गया। तो अनुमति न मिलने का क्या कारण हो सकता है? अनुमत न मिलने कारण ऊपर वाला जाने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, क्यों हुआ आज तक ऐसा नहीं हुआ है, अनुमत तत्काल मिल जाता है। इसके लिए आपने फिर दोबारा शासन को पत्राचार किया था? हम लोग अपर मुख्य कहते हैं DM इसमें चार्ज में है, जिला पंचायत अध्यक्ष के, अभी इसमें अध्यक्ष कोई नहीं है। अभी क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है, हमेशा कह रहे लगे बहुत जल्दी हो जाएगा, गए हैं लोग करते करते इतना महीना हो गया, तो देखिए तो चाहते भाई हम लोग निधि का है वो जल्दी काम हो जाए। ये जो लालचक गाँव है उसका मेन संपर्क मार्ग यहाँ पर है, और यहाँ से सीधा स्कूल तक रास्ता भी है, लेकिन ये रास्ता इतना ख़राब हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके भी दिक्कत आती है, ख़ास तौर से बरसात में और ज़्यादा दिक्कत आती है। थोड़ा इसको मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं इसको। और गंदगी का भी पूरा भरमार पड़ा हुआ है।